किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बना रहे हैं गुरविंदर डेयरी फार्म पे। आज गुरविंदर भाई के पास कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल थी और कुछ गायें इन्होंने यहाँ से सेल करी है। क्या रेट की गाय है, कितने दूध की गाय है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। इनसे अगर आपने गायें खरीदनी है तो स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप इनसे गायें खरीद सकते हो। तो चलो इनसे बात करते हैं, ये आपको गाय के रेट के बारे में, लैक्टेशन के बारे में और दूध के बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया की आपको डिलीवरी मिल जाएगी। पंजाब में मंडी डब वाली पे इनका फार्म है। मंडी डब वाली पंजाब से पूरे भारत में गायें भेजते रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तक इनकी गायें जाती है। तो चलो इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। काम कैसा चल रहा है? काम तो सर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप ही देख सकते हो, कस्टमर बता सकते हैं सर, क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है वीडियो बनाते हैं सर, और कस्टमर की डिमांड आ रही है हर रोज़ वीडियो डालो सर। हर रोज तो वीडियो नहीं डाल सकते, लेकिन कस्टमर को जितना टाइम फ्री रहता है सर वीडियो डाल देते हैं, और कस्टमर का प्यार इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, कभी ज़िंदगी में उनका दे नहीं दे सकूँगा सर। किसान भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहो? मैसेज तो यही देना चाहूँगा, भी आप पंजाब में आ रहे हो सर, रिसर्च कर लो, क्योंकि 8 से 10 लाख रुपये लगा रहे हो, रिसर्च जरूर कर लो। मेरी मैं नहीं बोलता मैं अच्छा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं, ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं, आप एक अच्छी ब्रीड ही चूज़ करो। क्रॉसिंग वाला डेयरी फार्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। 10 ले रहे हो 9 ले जाओ 9 ले रहे हो 8 ले जाओ सर, एक काम ले जाओ, पर मेरी ये मानना है सर, एक्सपीरियंस है, भी आप ब्रीड ही प्रोसेसिंग करो, और यंग एज को फिर मैं मोटिवेट करूँगा भी आओ, आपका फार्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं सर, कोई पैसा नहीं लेते। 5 एनिमल से स्टार्ट करो, आप हमारे साथ जुड़ो, आगे जरूर जाओगे। ऐसा नहीं 5 एनिमल से हमें कोई इनकम मिल जाएगी या कुछ ऐसा, आपको इस लाइन में ला रहे हैं हम, इस लाइन में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मैं उस दौर से गुजर के आया हूँ। 2 एनिमल से स्टार्टिंग करके आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुका हूँ, नाम कमाया सर, ब्रीड पे फोकस किया है, और कई भाई बोल कॉल आती है तो बोल देते हैं ब्रीड मिलेगी ना, तो हमें क्रॉसिंग ब्रीड सेल करने में मज़ा आता है, ना ही हम कस्टमर को देते हैं सर, क्योंकि क्रॉसिंग ब्रीड पहले स्टार्टिंग में दी थी, कंप्लेंट आई, उसके बाद ब्रीड पे फोकस किया, तो पिछले 8-10 साल से ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं और कभी कंप्लेंट नहीं आई, और सभी एरिया में शूटेबल है सर एनिमल, क्योंकि हम यंग एज ही एनिमल सेल करते हैं, वो चाहे वो फर्स्ट लैक्टेशन हो चाहे सेकंड लैक्टेशन में, 2 टीथ हो 4 टीथ सर। आज कितनी गाय फार्म पे अवेलेबल है? सर हमारे फार्म पे एनी टाइम 30 से 40 एनिमल अवेलेबल रहते हैं सर, और कस्टमर भी आपके सामने सर हर रोज वीडियो में दिखाते हैं, वेटिंग में रहते हैं, तो कभी भी आप आ सकते हो हमारे फार्म पे। जो भाई बोलते हैं मिल्किंग नहीं करके लेनी, उनको बोलूंगा मिल्किंग करके ले लो। जो भाई प्रेग्नेंट लेने चाहते हैं वो प्रेग्नेंट मिलेगा। जो भाई हीपर लेने चाहते हैं हीपर मिलेंगे सर। जो 7 मंथ या 8 मंथ की प्रेग्नेंट लेने चाहते हैं उनके लिए 8 मंथ 7 मंथ प्रेग्नेंट मिलेगी सर। एवरेज रेट हमारे फार्म का एवरेज रेट सर 50 से स्टार्टिंग होकर 130 तक एनिमल हमारे पास रहते हैं, और जो भी रहते हैं ब्रीड रहती है सर, क्रॉसिंग ब्रीड पर काम नहीं करते सर, ना ही क्रॉसिंग ब्रीड पर रखते हैं सर। एवरेज दूध मिनिमम सर 20 लीटर से स्टार्टिंग होके सर 50 लीटर तक एनिमल हमारे फार्म पे रहते हैं सर। 50 लीटर वाली का क्या प्राइस रहेगा सर? 120, 130, 110 वो अकॉर्डिंग टू गाय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाय 8 मंथ की प्रेग्नेंट है तो कम आ जाता है, अगर गाय के 20 डेज पेंडिंग है थोड़ा सा 110 आ जाता है, अगर गाय बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक है तो 120 भी आ सकता है, 125 भी आ सकता है सर। तो कस्टमर का प्यार है सर, उसके लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। लास्ट वाले दिनों में देखा सर महाराष्ट्र से रिस्पॉन्स आ रहा है सर, उसके लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। महाराष्ट्र नहीं सभी स्टेटों का स्पेशल थैंक्स कर, इतनी कम उम्र में इतना प्यार दे रहे हो सर, सुकून मिलता है जब लाइव करते हैं तो कमेंट आते हैं नीचे, तो बहुत अच्छा पढ़ पढ़ के सुकून मिलता है, हमने भी कुछ कमा लिया सर, ये कस्टमर का प्यार है सर। देखो सर एनिमल सेल करने नहीं, एक एनिमल खरीद के सेल कर नहीं सकते सर, इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। एनिमल सेल करके खरीद तो हर सो कोई सकता है, मैं भी कर सकता हूँ कल, पर इनमें जो करेक्टर हैं वो लेग स्कोर हैं, जो उनकी पहचान करना बहुत ही एक टफ मैं बोलूँगा काम है सर। सर फर्स्ट लैक्टेशन में दांतों में खीरी आधा दांत बच्चा है जिसको बोलते हैं, आधा दांत बिल्कुल खीरा, आगे सारा सीमेंट का रिकॉर्ड है सर, और हाइट और लेग स्कोर देखो सर बछिया का, आप हाइट और लेग स्कोर देखो क्या है बछिया का सर, हाइट और लेग स्कोर और बॉडी वेट आपके सामने दिखा रहे हैं सर, और मिनिमम 25 लीटर मिल्किंग करेंगे सर, मिनिमम 25 लीटर। ये देखो सर लेग स्कोर देखो बछिया का, हाइट कम्पैक्ट आर्डर बिल्कुल कम्पैक्ट आर्डर, और ब्रीड की पहचान कहाँ से होती है, बिल्कुल शांत सफाई की होगी सर, जो ब्रीड होगी ना चाहे बच्चा बैठ जाए इनको, ये ब्रीड की सबसे खासियत होती है कि
क्या रेट में गाय सेल करोगे? सर ये हमने महाराष्ट्र में दिया 68 में सर सेल की हुई है। 68 में सेल की हुई है। कम्पैक्ट आर्डर लक्सकोर देखना सर, इसको बोलते हैं लक्सकोर सर। बहुत मैं फिर बोलता हूँ भी रेयर गाय और पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। सेल करना एक आसान काम है पर ब्रीड की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। इसने जितना आर्डर उतारेगी बिल्कुल कम्पैक्ट आर्डर उतारेगी और इसको कभी मस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मस्टाइटिस की प्रॉब्लम? क्योंकि अच्छी ब्लड लाइन की है, वो आपके सामने देख रहे सर। लेग स्कोर और बॉडी वेट बता रहा है और बिल्कुल आधांत यानी कि इसकी एज की बात करेंगे तो बिल्कुल 22 मंथ की एज है सर। अभी 22 मंथ में इसने ऐसे ऐसे कम्पैक्ट आर्डर उतार रही है सर। और अगर नेक्स्ट लैक्टेशन में जाएगी तो आपको क्या आर्डर उतार के दिखाएगी सर, क्या इसका बेनिफिट होगा वो आप जो ब्रीड रखते हैं उनको भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है। और 68 में महाराष्ट्र जा रही है सर। ये सर सेकंड लैक्टेशन में पिंक नोज आयरशायर, इस गाय से फ्यूचर स्टार्ट किया था तो मैं फिर बोलता हूँ जब भी मिलती है तो इसका हम कभी छोड़ते नहीं, चाहे कस्टमर हो हमारे पास ना हो। ये भी महाराष्ट्र जा रही है सर, अभी 20 डेज पेंडिंग है। अभी ब्रीड से आइडिया लगाइए, आर्डर से तो आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि 20 डेज पेंडिंग है। और हाँ चल का गैप और कम्पैक्ट आर्डर लैक्सकोर ये भी एक मतलब फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड है जो 26 लीटर का है, 30 लीटर के नियर अबाउट डाल देगी सर। अभी 20 डेज पेंडिंग है, फिर बोलता हूँ ब्रीड से आइडिया तो लगा सकते हो, आर्डर से आइडिया नहीं लगेगा। दांतों में 40 था सर। हमारे जो भी एनिमल होंगे यंग एज होंगे सर वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो सर। हाँ चल का गैप पिंक नोज लेग स्कोर बॉडी वेट शाइनिंग। एक बात मैं और बोल दूँ, अगर मिल्किंग की करनी है तो आपको ये गाय का जो बॉडी का स्किन का बाल है ना, हेयर है सर, वो कभी अगर बड़ा होगा गाय का आर्डर चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर स्किन को आर्डर के बाल बड़े हैं तो ये गाय कभी मिल्किंग नहीं करेगी सर। मैं ये बात बोलता हूँ, अगर गाय में ऐसी शाइनिंग है, गाय के बाल छोटे हैं तो ही गाय मिल्किंग करेगी। खाली आर्डर ने मिल्किंग नहीं देनी, मैं फिर बोलता हूँ करेक्टर ने मिल्किंग देनी है, जो कि आपके सामने हर रोज हम वीडियो में बता रहे हैं सर। मैं नहीं बोलता मेरे से गाय लो, बहुत से प्लेटफॉर्म आप कोई भी चूज कर सकते हो, पर एक अच्छी ब्लड लाइन ही एनिमल लो, उनकी ब्लड लाइन के बारे में जांचो, कौन से बुल की है, क्या रिकॉर्ड है उसका, मदर रिकॉर्ड क्या है। ये जांचने से आपको एक तो आगे वाला इसका बच्चा आएगा, आप इसकी नोट करो कि क्या हम इसके बच्चे का क्या रिकॉर्ड ले सकते हैं, क्या इसको पटेट दे सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी मिलेगी सर। क्या दूध की गाय रहेगी सर? 30 लीटर मिनिमम मिल्किंग करेगी, प्लस करेगी, लेकिन मैं 30 लीटर 2 लीटर कम बताता हूँ ताकि कस्टमर जाके फिर दोबारा जाके वापस आए। अगर कस्टमर ने चार दिनों को रेफरेंस नहीं दिया ना तो मेरा काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बोलूँगा भी इसलिए मैं धंधे का कोई पैसा नहीं मैटर करता। अगर कस्टमर ने बोला गुरविंदर डेयरी फार्म से गाय लेके आए थे, हमें इतना बोला इतना निकला, फिर मन को सुकून मिलता है भी हाँ भी हमने भी हमको भी परख आ गई सर गाय की। क्या रेट में गाय सेल सर? ये 70 में दी है सर, अभी 25 डेज पेंडिंग है इसके, मिनिमम 25 डेज पेंडिंग है। और शाइनिंग बॉडी वेट लेग स्कोर हमारे एनिमल की दूसरे एनिमल से वीडियो से कंपैरिजन किया करो, फिर आपको फर्क पता चलेगा भी कैसा फर्क है। गुरविंदर के पास इतना कस्टमर क्यों है? इनकी वजह से इनका प्यार है सर, इनके प्यार है। चाहे मैं फिर बोलता हूँ मेरे को 300 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ जाए, पर लेकिन जब तक मेरे को एनिमल खुद को नहीं पसंद आता तो मैं कस्टमर को प्रोसेसिंग नहीं करने देता, चाहे वो मेरे साथ में हो सर। और भाइयों को एक बात और बताना चाहूँगा भी हमारे पास हर एनिमल की डिटेल होगी, हर की ब्लड लाइन होगी सर, इनका सभी का ब्रूसी टेस्ट चेकिंग होगा सर। चाहे वो आप नहीं जगी तो स्टिप आती है, आप खुद साथ में लेकर चेक कर रखे हो सर। सेकंड लैक्टेशन में फास्ट का रिकॉर्ड 32 लीटर का है सर गाय का। दांतों में 4 टीथ होगी हमारी सर गाय, 4 या 6 टीथ है। हम दांतों में बड़ी गाय तो लेते नहीं, नहीं लेते सर, आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं होती, कस्टमर की कंप्लेंट आती है। मैं नहीं चाहता भी मेरे को नाम बनाने में 10 साल लगे तो कस्टमर की कंप्लेंट आए तो मेरा नाम खराब हो जाए, तो मैं ऐसी कंप्लेंट के बारे में बहुत रेयर मैं दांतों में। जब तक यंग एज एनिमल सभी जगह सर्वाइव कर देगा, क्यों सर्वाइव कर देगा? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम हैवी रहता है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे गाय सर, मिल्किंग वेन आर्डर क्वालिटी हाइट बॉडी वेट, अगर मैं बोलता हूँ खुला छोड़ दो इसको पकड़ के दिखाना सर, ये अगर बुढ़ी होगी तो। यंग एज ही ऐसे ऐसे एनिमल रखेंगे तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैं दो ही चीज़ों पे फोकस करता हूँ, यंग गाय और यंग ब्लड लाइन को इस लाइन में लाता हूँ सर। इस बार क्या दूध करेगी गाय? सर ये 35 लीटर मिनिमम मिल्किंग कर देगी, ये भी महाराष्ट्र जा रही है, उनकी फोन पे बात कराएंगे आपको। 35 लीटर मिनिमम मिल्किंग करेगी तो इसका प्राइस है सर 80 में दिया, अभी इसके 25 डेज पेंडिंग है। जिस दिन रेडी भरेगी सर बिल्कुल कम्पैक्ट आर्डर कर देगी लेग स्कोर के ऊपर सर। हर वीडियो दिखाने का मकसद करेक्टर बताने का यही है सर, हमारी भी गाय सेल होती है, हम भी इसी लाइन में सेल कर सकते हैं भी। अगर कोई अदर फार्म डेयरी फार्म में आ जाओ तो आप उसके गाय के करेक्टर चेक कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें क्या करेक्टर है। खाली ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं होता जो कि मिल्किंग गाय होती है सर, इनके करेक्टर होते हैं। जब आपको करेक्टर मालूम होंगे ना तो आपका कभी फेल नहीं होगा, चाहे किसी भी डेयरी फार्म में चले जाओगे तो वो आपको एक
मिसगाइड नहीं कर पाएगा। सेकंड लैक्टेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल्किंग वेन वगैरह कंपैक्ट आर्डर लेग स्कोर फेस क्वालिटी बॉडी वेट आर्डर लेग स्कोर ये चीजें तो एक हर गाय में होती है लेकिन बॉडी वेट भी होना एक गाय में जरूरी है सर। अगर गाय का बॉडी वेट 750 से ऊपर है ना सेकंड लैक्टेशन में तो ही मिल्किंग करेगी। अगर गाय का बॉडी वेट ही आप 4.5 क्विंटल या 5 क्विंटल की गाय है तो वो मैं बोलता हूँ सेकंड लैक्टेशन में 35 लीटर मिल्किंग नहीं कर सकती। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आर्डर देखो आर क्वालिटी देखो सर इसके भी 20 डेज पड़े हैं महाराष्ट्र को जा रही है सर। 35 लीटर मिल्किंग करेगी मिनिमम सर और 80 में दी है। ब्रीड चेक करो इसका बॉडी वेट चेक करो लेग स्कोर चेक करो सर। हम भी इसको 90-95 में सेल कर सकते हैं लेकिन एक बार कर लेंगे दो बार कर लेंगे तीसरे दिन किसको करेंगे। अगर हमारा फार्म पंजाब में ऊपर है ना सर तो एक रीजनेबल रेट पे है सर। अगर हमारे लो प्राइस है जेन्युइन मार्जिन रख पे आ रहे हैं सर। पिछले सबसे ज़्यादा मालवा फार्म पे ओल्ड क्यों है क्योंकि जेन्युइन मार्जिन रख के हम एनिमल दे रहे हैं क्योंकि हम भी इसको अगर कस्टमर हमारे विश्वास पे आ रहा है हम इसको 95 बोलेंगे ना तो 40 लीटर बोलेंगे तो कस्टमर फिर भी विश्वास कर लेगा। पर नहीं जितना मिल्किंग करे उससे 2 लीटर कम बताओ। स्क्रीन पे सर गाय देख रहे हो वेट की बात करें तो 10 क्विंटल की गाय होगी दोनों एक फार्म की है सर। और फार्म में फिर बोलता हूँ चेप सिस्टम लगा हुआ था उसके अभी 15 से 16 दिन पेंडिंग है इसके 20 डेज पेंडिंग है सर। और मिल्किंग की बात करें तो दोनों ने फर्स्ट में 38 लीटर मिल्किंग किया टीथ कंप्लीट है और 6 के उठा रही है। स्क्रीन पे गाय देख रहे हो सर आप खुद कमेंट करो। मैं तो हो सकता है अपनी गाय की तारीफ कर सकूं ये लोहा हो मैं इसको गोल्ड बता रहा हूं सर डायमंड बता रहा हूं लेकिन नहीं जो गाय देख रहे हो सर अभी नीलामा भी अभी गाय ने छोड़ना स्टार्ट किया है। मेरे को जिस फार्म ने लिया उसने बोला भी हमारी गाय सेकंड में 50 लीटर चलती है लेकिन मैं कस्टमर को 45 लीटर मिल्किंग कह के दे रहा हूँ। दोनों गाय मैं 40 भी दे दिया ना कस्टमर 80 लीटर तो मिनिमम है सर। कस्टमर को बहुत अच्छी नॉलेज है जिसके पास जा रही है सर ये महाराष्ट्र में अभी इसका तो छोड़ दे इसका तो अभी आपको 20 डेज पेंडिंग है। ब्रीड से रेडी लगा सकते हो बॉडी वेट से लगा सकते हो उसका अभी 15 से 16 दिन ले देगी रेडी है। ऐसे ऐसे एनिमल 45 लीटर मिल्किंग करते हैं क्योंकि इनका बॉडी वेट कंपैक्ट आर्डर लेग स्कोर क्या रेट में गए सर ये 180 में पेयर दिया दोनों 180 में पेयर दिया है एक हाई रेंज की एक कम रेंज की है क्योंकि एक डेज पेंडिंग है सर 1 मंथ भी ले सकती है ये महाराष्ट्र जा रही है उसका थोड़ा सा प्राइस अप हो जाएगा क्योंकि वो अभी 15 से 15 डेज मिनिमम ले जाएगी सर। और दोनों गायों का सक्सर सीमन लगे हैं और सभी की ब्लड लाइन है और ब्रूसी टेस्ट हुआ है। ऐसे एनिमल रखोगे ना जे होते हैं 40 लीटर वाले हम इसको नहीं बोलते 40 लीटर इसका बॉडी वेट ही नहीं है तो 40 लीटर कैसे निकाल देगी सर। इनका बॉडी वेट भी है गाय भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो भी कैसी कैसी गाय है आपको खुद को जिनको भाई गाय रखता है उनको खुद को नॉलेज होगी सर। अगर इस गाय ने 40 लीटर मिल्किंग नहीं निकाला ना आपने तो मैं बोलता हूँ भी आप डेयरी फार्म बंद करके कोई और काम स्टार्ट कर लो क्योंकि अगर इस ऐसी ऐसी गाय से आप मिल्किंग नहीं ले सकते तो आप कभी भी मिल्किंग नहीं ले सकोगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे क्योंकि हमें गर्व रहता भी ऐसी ऐसी गाय 45 लीटर भी हमारे पंजाब में नॉर्मल बात से निकाल देती है। तो आप ब्रीड चेक कर सकते हो और गुरविंदर डेयरी फार्म 2014 से यूट्यूब पर है कोई कंप्लेंट नहीं आज तक हर रोज भीड़ पे फोकस कर रहे हैं कस्टमर को नॉलेज गेन कर रहे हैं जितनी है उतनी दे रहे हैं सर। और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको चाहे वो हमारे से एनिमल प्रोसेसिंग किए कभी नहीं किए। ये आपका प्यार है सर क्यों प्यार है सर क्योंकि पैसा नहीं मैं समझता अभी हर चीज़ पैसा नहीं मोटिवेट होती कभी पैसा आदमी के साथ में नहीं जाता सर। जो प्यार इतनी कम उम्र में आपने दिया सर शायद ही किसी और लाइन में जाता तो कमा पाता। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स करता हूँ हर रोज वीडियो आ रही है सर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो स्पेशल थैंक्स करता हूँ सर धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर पहले तो अपना एड्रेस बताना कौन सा है। सांगली तालुका अच्छा अच्छा सर तो आपने सर गुरविंदर डेयरी फार्म से कितनी गाय ली। 9 गाय लिया हूँ और एक गाय लेने के लिए अभी सुबह फोन किया था। तो आप आए चाहिए हमको तो आप इधर आए थे सर आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो सर आप क्या कहना चाहोगे महाराष्ट्र वालों को किसानों को भी आ सकते हैं गुरविंदर डेयरी फार्म एक सही प्लेटफॉर्म है।
सभी सही है, सब कुछ अच्छा है उधर। ओके, कोई प्रॉब्लम लगी हो सर? नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम सर। अच्छा अच्छा सर, तो आप अभी आप एनिमल प्रोसेसिंग करके अपने घर पहुंच गए सर? अभी दो दिन हो गए घर आके। घर है, अब आपके एनिमल इधर ही है, तो आपको ऐसा नहीं लगा भी हमने एनिमल के साथ में जाना था? आपके विश्वास पे रखा हो ना? विश्वास पे रखा हुआ सर। थैंक यू सर, आप 8-10 लाख रुपए लगा के फिर भी विश्वास कर रहे हो सर, वो बहुत आपके लिए थैंक्स बोलता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, आपको रेट कैसा लगा सर? रेट रेट बढ़िया है, रेट है सर, कोई दिक्कत नहीं रेट की। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके।